एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी हैप्पी विद स्वेल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हम दर्शन करने गए थे माँ शीतला जी के द्वार पर, जो कि अदलपुर में है। तो यहाँ पर हमारे भाभी की मन्नत थी पूड़ी और हलवा चढ़ाने की, जिसको आम भाषा में कढ़ाई चढ़ाना भी कहते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या किया। तो ये देखिए, एक हमारी पूड़ी जो है वो छना रही है, और एक तरफ हम सब्जी बना रहे हैं। सब्जी को हमारे यहाँ चढ़ाया नहीं जाता, लेकिन हम लोग सब्जी अपने खाने के लिए बना रहे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको गंगा माँ को दिखा रही हूँ कि नदी जो है वो पूरी तरह से भरी हुई है, और काफ़ी मनमोहक दृश्य है ये, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था होती है। ये सारे चुनरी जो हैं, अभी सीज़न नहीं चल रहा है, जब मतलब कोई त्यौहार चलता है, या जैसे कि नवरात्रि हो गई या कोई और पर्व चल रहा होता है, तो ये पूरी जगह भरी होती है, जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए, क्योंकि अभी कोई फेस्टिवल नहीं चल रहा है, इस वजह से खाली है। तो ये देखिए, हम लोग पूरी छान रहे हैं, और मंदिर जो है वो 1:30 बजे बंद हो जाता है। तो मंदिर के बंद होने से पहले हमें अपना पूड़ी हलवा बना करके माता जी के दर्शन कर लेने हैं, और चढ़ा लेना है अपना पूड़ी हलवा। और ये देखिए, हलवा का घोल तैयार किया जा रहा है। इसमें आटा, चीनी और पानी सबको मिलाया जा रहा है। और ये देखिए, घोल बनाने के बाद इसे हम डायरेक्ट घी में डाल देंगे, और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स बनने लगेंगे। ये देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो माता रानी को जो हलवा चढ़ाया जाता है उसे भूना नहीं जाता है, इसीलिए डायरेक्टली इसे हम पानी में घोल करके घी में डाल देते हैं। तो कुछ ही देर में ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा, और हम सब फिर माता रानी के दर्शन के लिए चलेंगे साथ में। तो यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, सब लोग साथ में मिलकर बनाते हैं, खाते हैं, दर्शन करते हैं, और ये जो दृश्य है ये देखने लायक होता है। मैं तो यही कहूँगी कि आप भी ज़रूर आइए और माता रानी के दर्शन करिए, और अपनी मन की इच्छा जाहिर करिए। ये देखिए, हलवा अब हमारा लगभग सूख चला है। तो कुछ इस तरह से हम अपना चढ़ाने वाला हलवा पूरी बना लेंगे। तो ये देखिए, हम मंदिर की तरफ निकल चले हैं, और हमने प्रसाद भी तैयार करवा लिया है। ये देखिए, बच्चे काफ़ी मस्ती में हैं, बच्चे गंगा जी में नहाकर भी आए हैं। तो ये देखिए, हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भीड़ तो आपको वैसे हर सीज़न में यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन त्यौहार जैसे नवरात्रि वगैरह चलती है तो ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। ये देखिए, हम मंदिर परिसर में बस पहुँचने ही वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं होता है, इसलिए मैं मंदिर में आपको नहीं दिखा सकी। ये देखिए, मंदिर का कपाट अब बंद हो चुका है, क्योंकि 2 बज गए हैं, और मंदिर में हमने पूजा कर ली है। अब ये मंदिर के बाहर हम पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नए नवविवाहित जोड़े भी होते हैं, वो भी पूजा करने के लिए आते हैं। ये मेरी बेटी खेल रही है। थैंक यू।